नमस्कार जी, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन। आज जो ये वर्ल्ड एनवायरमेंट का डे मनाया जा रहा है, हम लोगों में सारे दिग्गज लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि वो हर इस तरीके के जो प्रोग्राम करते हैं वो उसमें हम सबको याद करते हैं। और हमारी बहन जी हैं, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई, सबके नाम लेते तो टाइम जल ही जाएगा। बाकी मीडिया अगर आप सबों का, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ, मैं 15 साल से राकेश जी के साथ जुड़ा हुआ, मुंबई अध्यक्ष हूँ। और राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे जी, ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत नेक काम है, पूरे हम सब के फायदे का काम है, इसको समझना है। और इनके बुलावे पे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, हमारी मेयर मैडम आई हैं गुजरात से, बहुत सारे गुजरात से, मुंबई से, हिंदुस्तान से, कोने से, दिल्ली से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तकरीबन 3 घंटे से यहाँ मंच पे हूँ। राकेश जी को मैं बधाई दूंगा, इनके अंदर जो एक एनर्जेटिक जो पावर है वो इन्होंने दिखाया। और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, लोगों को बढ़ावा देते हैं, लोगों को। हमने इनके साथ गुजराती कम से कम 4 से 5 फिल्मों में से रोल किया है। फिल्मों में मैडम रोल खतरनाक करता हूँ, इंसान अच्छा हूँ, इसकी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सबसे मैसेज यही देना चाहूँगा, हर आदमी अपने घरों से शुरुआत करें, पेड़ लगाए, और ये जो पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, इसको अवॉइड कीजिए। यहाँ से हम डिसाइड करके जाएँ, इस मंच से डिसाइड करके जाएँ, क्योंकि इतने देर से हम सब लोग आपके सामने ये सारी बातें कह रहे हैं। और फिर से राकेश जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। राकेश जी क्या कहेंगे आप, अच्छी मैडम आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, और हम पर्यावरण दिवस के लिए सब में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ये जो प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, 20 साल से हमारे भाई साहब राकेश जी को मैं पहचानती हूँ, और कई बार कार्यक्रम में बुलाते हैं। उनके कार्यक्रम जो होते हैं इतने बहुत ही अच्छे मनोरंजन कार्य और इंटरेस्टिंग होते हैं, और कुछ ना कुछ संदेश लेकर आते हैं। तो यहाँ सब कलाकार इकट्ठे हुए और जो संदेश दिया है वो संदेश इतना अच्छा है कि आज हमारे देश को इस प्रकार के संदेश की आवश्यकता है। और ये जो करने का उनको जो मन में आया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। राकेश जी की एनर्जी और उनका जो पूरा यूनिट है, अली साहब बैठे हैं, वो संगीतकार साहब बैठे हैं, सब लोग, जैन साहब, दिलीप सिंह, ये सब लोग मिलकर इतना अच्छा काम करते हैं, तो मुझे अपने देश का भावी अच्छा लगता है। भारत का भविष्य इन सब के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। और जीरो कार्बन का जो माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा करने में इन लोगों का हिस्सेदारी जरूर रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मीडिया के माध्यम से मैं राकेश जी, मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मानव अधिकार फाउंडेशन, मानव अधिकार की तरफ से यहाँ पे वर्ल्ड ह्यूमन राइट के माध्यम से वर्ल्ड अवेयरनेस डे का जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है, एनवायरनमेंट का जो कार्यक्रम किया गया है, इसका संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि एक हरित क्रांति की ओर देश आगे बढ़े। और आज जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्मी लग रही है, तो गर्मी का यही है कारण है कि यहाँ का पर्यावरण संतुलित नहीं है। जो पेड़ की कटाई होती है, रोड का बाइंडिंग जो होता है, जब भी होता है, जब मोटे मोटे जो ट्री है वो काटे जाते हैं, उसके बदले में वहाँ पे कहीं ना कहीं गार्डन का विकसित होना जरूरी है। वो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोदी जी के भाई आए, वहाँ पर सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि 2 पेड़ लगाएं, 1 पेड़ अपने लिए, 1 अपने भविष्य के लिए लगाएं, जिससे ये पर्यावरण संतुलित हो। और आप बताइए। हाँ, आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले तो आपको अभिनंदन देता हूँ कि 5 जून जो पर्यावरण दिन है, उसी दिन देश को जागरूक करने का काम किया है, ऐसे जागरूक करने का काम किया है। तो मैं आज जागरूकता दिन में सभी को, पर्यावरण के दिन में सबको अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ भावना बहन आए अहमदाबाद से, उन्होंने संस्कृत में बहुत सारी अच्छी तरह समझाया, विनोद जी ने समझाया, हमारे गुरु जी हैं उन्होंने समझाया, अली खान जी है, राजेश भाई है, सभी ने जो हमको आज ये कार्यक्रम में हमको बुलाया, हम सभी को तहे दिल से उसको मर्यादा करते हैं। और आज पर्यावरण के दिन आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से पूरा देश के अंदर ये मैसेज जाएगा, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज तमाम फिल्मी हस्तियाँ
भावना बहन दवे जी सीनियर भारतीय जनता पार्टी सांसद दिलीप सिंह जी, अली खान जी, इनका परिचय मैं क्या दूँ, विनोद सिंह जी मोदी जी के भाई साहब, वर्जिन सुपर स्टार हिंदू सरकार एयर स्टार, सब लोग की मौजूदगी में और आप सब जितने मीडिया प्रेमी लोग हैं, आप लोगों ने इतने मन से जो कवर किया है मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम सक्सेस जाना है। और मुझे जितनी आज पब्लिक आई है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा एडवोकेट्स भी आए एंड अदर सेक्टर्स के लोग आए और इंडस्ट्री का यह जूम था, तो आप एक चीज़ सीखो, किताबों से या तो इंसान सीखता था, एक जमाना था तुलसीदास का, आजकल पिक्चरों से सीखता है ये जमाना आज का, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के पौधे के ऊपर पिक्चरें बनाने लग गया या एक पौधा उगाने लग गया। और जो आप लोग सुन रहे हैं, शायद आप लोग भी घर जाके लगाओगे, नुकसान तो ही नहीं, कि पौधे को जन्म दे के देखो आपका पुनर्जन्म हो जाता है यार, हम रहते न रहते लेकिन पौधा रहता है, तो आगे हमारा बच्चा खत्म करेगा और वाइफ करेगा, यही मैसेज है आज। और प्लास्टिक जो सब्जेक्ट है उसमें ये कहना है कि औरतों को खासतौर मुझे कहना है, एक पैसा दो पैसा तीन पैसा अभी सरकार नहीं ले सकती, सरकार के लिए पॉलिथिन खुदी लीजिए भाई। और भाई लोग वही बोल रहा हूँ कि चवन्नी अठन्नी बचाने के लिए सरकार सबसे लड़ सकती है, जनता से नहीं, सरकार से मांगो, जो मांगने जम के मांगो, जो लड़ना जम के लड़ो, लेकिन जहाँ जरूरत हो तो साथ ही देव, सब कुछ मांगो मत, कुछ देना सीखो। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं इस मुंबई शहर में आई हूँ और आज का जो कार्यक्रम था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और सबसे ज़्यादा थैंक यू मीडिया को, क्योंकि मीडिया सपोर्ट करती है तभी लोगों तक हमारा जो मैसेज है वो पहुंच पाएगा। तो जो बेसिक है कि प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खुद से अगर ट्राई करेंगे, तो एक एक करके सब ट्राई करेंगे तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि पौधे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो सब लोग एक एक पौधा भी लगाएंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। हिंदू सरकार सुपर स्टार, मैंने तो मेरे घर पे तो पूरा गार्डन ही है, मुझे ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे को जानवरों से और मेरे घर में इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, मैंने पूरा गार्डन बना रखा है, तो सही बात है, जहाँ पे सच में अपने पेड़ होंगे ना वहाँ पे सच में ठंडक रहेगी, और ये अभी गर्मी हो रही है उसका रीज़न यही है, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक ही पौधा लगाएंगे अपने आप। यार पौधे उगाओ, पौधे उगाओ, पौधे उगाओ, सृष्टि बचाओ यार।